ज वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज माई नेम इज़ अंशू मित्तल एंड इन दिस वीडियो आई एल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एंड द चैप्टर इज ट्वेल्थ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिपोर्टिंग तो गाय जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज गोइंग कंसर्न रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ये चीज़ में तुम्हें नहीं करा रहा रीजन बींग हमने ये चीज़ काफ़ी बार अभी तक पढ़ते आए हैं ठीक है कि अगर हमारा कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी है नहीं है तो रिपोर्ट में हमें कौन से रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करना है तो इट वुड बी बेटर तुम इस चीज को एक बार सारे खुद पढ़ लो अच्छे से समझिए आ जाएगा जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड एंड थोड़ी डिटेल्ड रीडिंग करना है इसको डिटेल्ड रीडिंग ठीक है ये तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें कोई इश्यू नहीं है कुछ डिफिकल्ट नहीं है जस्ट एक डिटेल रीडिंग कर लेना तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी रिपोर्ट हमें कब बनानी है और रिपोर्ट में क्या क्या हमें अलग से एक इम्पैक्ट देना है क्या क्या हमें रिपोर्ट में अलग से समझाना है तो वो चीज एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगी तो द इज नो पॉइंट फॉर मी टू टीच यू दिस थिंग नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम क्वेश्चन अप्रोच अब एग्ज़ाम क्वेश्चन अप्रोच का मतलब क्या है बेसिकली कि एग्ज़ाम में जब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वॉट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड कि किस तरह से तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर देना है तो इसको भी एक बार पढ़ लेना ठीक है तुम्हें तो समझ आ जाएगा सारी चीज़ें इस चैप्टर की ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो पुरानी पढ़ी हुई है वो सारी कवर्ड है कि कैसे हम अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को बताएंगे हम उनसे क्या मांगेंगे कैसे हम उस पर कमेंट करेंगे कमेंट करने के बाद हम कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे तो ये एक बार गाइस अच्छे से पढ़ लेना और ज़्यादा इसकी तैयारी कैसे होगी जब तुम इसके बड़े क्वेश्चंस करोगे एग्जाम किट के क्वेश्चंस करोगे और जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करोगे जो पास्ट ईयर के बड़े क्वेश्चंस होते हैं व्हेन यू डू दैट तुम्हें समझ आएगा कि ए सी तुमसे क्या चाहता है वॉट डज ए एक्सपेक्ट यू टू राइट इन अ बिग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बट फॉर दैट यू विल हैव टू रीड ऑल द प्रीवियस ईयर

और किस लेवल पे क्या कम्युनिकेशन रखना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है दिस इज बिट इंपोर्टेंट ठीक है अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कम्युनिकेट क्या करना है ठीक है सबसे पहले क्या कम्युनिकेट करने कैसे कम्युनिकेट करने और कब कम्युनिकेट करने वॉट क्या कम्युनिकेट करने हाउ कैसे कम्युनिकेट करने एंड वेन किस टाइम पे रिपोर्ट से पहले रिपोर्ट के बाद क्या <coughs> तो यहां पे क्या लिखा हुआ है आई एस ए टू सिक्सटी दैट इज कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड आई एस ए टू सिक्सटी फाइव ये दोनों सिमिलर आई एस ए लेकिन फर्क क्या है आई एस ए टू सिक्सटी कहते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड टू सिक्सटी फाइव कहते हैं कम्युनिकेटिंग डेफिशियंज इन इंटरनल कंट्रोल टू दो विद गवर्नेस एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्सटर्नल ऑडिटर टू एंगेज इन कम्युनिकेशन विद आर टू आई एस ए आई एस एक्सटी एंड टू सिक्स फाइव याद रखना तुम्हें आई एस ए के ऐसा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है बट एक बार आई एस ए की लिस्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्टीन वो एक बार आई एस ए अच्छे से पढ़ लेना <coughs> ताकि तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि सब आई एस एस के अंदर क्या क्या, क्या लिखा गया है वो चैप्टर तो तुम्हें अच्छे से एक बार पढ़ना ही पढ़ना है सो द मेन फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट्स आर एंगेजमेंट लेटर ठीक है अनदर रिटन कम्युनिकेशन यूजुअली सेंट एट द एंड ऑफ द ऑडिट व्हिच इज ऑफन रेफर टू एज द मैनेजमेंट लेटर जैसे हम एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं उसके साथ ही हम एक मैनेजमेंट लेटर देते हैं ठीक है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग के मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीजें क्या आती है हम इसमें आगे पढ़ेंगे इन एडिशन द ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद चार्ज विद गवर्नेंस थ्रू आउट द ऑडिट रिक्वायर्ड कि वाइल ऑडिट जो भी चीज़ें जो भी इशूज हमें डिस्कस करने हैं वो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस टाइमली करते रहेंगे अब इसका रीजन क्या होता है वॉट इज द रीजन फॉर कम्युनिकेटिंग दो चार्ज विद गवर्नेस पहला टू कम्युनिकेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड एन ओवरव्यू ऑफ स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट है ना कि हम ऑडिट के स्कोप क्या है हमारा उनको बताते रहेंगे कि ये हमारा स्कोप है हम यहीं तक चेक कर सकते हैं इससे ज्यादा चेक नहीं कर सकते इस टाइम पे हमने ये ऑडिट किया था अब खत्म कर दिया अब स्टार्ट किया ये सारा ऑप्टेन the रेलिवेंट टू हम जब उनको बताएंगे उनको कम्युनिकेट करेंगे कि वी नीड दिस इंफॉर्मेशन तो वो हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे टू रिपोर्ट मैटर्स फ्रॉम द ऑडिट ऑन टाइमली बेसिस के मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई है और कोई मेजर इशू हमें पता चला है जिसका कुछ डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल पाया एविडेंस नहीं मिल पाया हम ये कम्युनिकेट करेंगे विद दो चार्ज विद गवर्नेंस कि देखो ये इशू आपकी कंपनी में आ रहा है टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हम सीधा सीधा ऑडिट खत्म करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट की ये हमारी रिपोर्ट है चलो भाई हो गया हमारा काम नहीं जब हम रिपोर्ट बना रहे होंगे जो भी चीज़ हमें मिलती रहेगी वी विल कीप ऑन कम्युनिकेटिंग दैट विद दी मैनेजमेंट क्योंकि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और हमें क्लाइंट को बताना है कि ये कमी है अगर वो ठीक कर सकता है तो अच्छी बात है कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उसको पहले बता देंगे कि फ्रॉड चल रहा है शायद वो उस चीज़ को ठीक कर ले या वो अपने ऊपर जिम्मा ले ले वॉट एवर द थिंग यू कैन डू वो बात की बात है कि हम रिपोर्ट एडवर्स देंगे सब कुछ देंगे बट पहले तो एक बार हमें मैनेजमेंट को वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी सो दीज आर द रीजन्स वाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिटट नेक्स्ट आता है आर दी मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड करेंगे so जी, है, ये मैं एक -एक पढ़ के बताता हूं उससे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा हमें क्योंकि इसमें समझने वाला नहीं है इसमें हमें मैटर्स सारे एक बार देखने तो so सबसे पहला मैटर जो हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट से एंड दोज चार्ज विद से इज The in to the हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्योंकि अगर हम दोस्त गवर्नेंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताएंगे जो पहले डिस्कस हो रखी है तो क्या होगा कि कल को हमें बोला जा सकता है कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने करी नहीं काम ये आपने ये काम टाइम पे नहीं करा आप कि टाइम पे इस टाइम पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपको हमें बताना चाहिए था हम पहले ही उनसे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर लेंगे द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट कि जो भी हमारा स्कोप है ऑडिट का ठीक है कि स्कोप हमें ऑडिट में क्या क्या करना है और टाइम किस टाइम पे हम क्या करेंगे पहले हम आपसे वाउचिंग लेंगे सारी वाउचिंग चेक करेंगे वाउचिंग के बाद थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन देन जो भी पॉइंट्स पेंडिंग रह जाएंगे उनके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ओवरऑल रिव्यू जैसी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम दो हाउ ऑडिटर प्लान टू द रिस्क ऑफ मटेरियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट बी की ऑडिट मैटर्स द ऑडिटर्स अप्रोच टू सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल

auditors' view about qualitative aspect of entities' accounting practices or policies, significant difficulties encountered during the audit, significant matters arising during the audit that were discussed with the management, written representations the auditor is requesting, circumstances that may affect the form and context of the auditor's report, if any. this includes any expected modifications to the opinion, key audit matters and material uncertainty. रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न बेसिकली जैसे कोई भी हमारे को ऐसा कोई पॉइंट मिला जिससे रिपोर्ट एडवर्स बनेगी या फिर रिपोर्ट हमारी uh, क्या कहते हैं मॉडिफाइड बनेगी वो चीज़ डिस्कस करना अदर मैटर्स दैट इन दस ओपिनियन आर सिग्निफिकेंट टू दर साइड ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोसेस कि कुछ और भी मैटर जो हमें डिस्कस करना होता है ये चीज़ें वाइल डूइंग दी विल डिस्कस और विद विध दो विद गवर्नेस बेसिकली मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर इफ रिक्वायर्ड मैटर ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस अब हमें ऑडिटर इंडिपेंडेंस वाले मैटर भी डिस्कस करने पड़ेंगे कि हम ऑडिटर हैं एंड हम इंडिपेंडेंट हैं हमारा कंपनी के किसी भी डायरेक्टर से किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल लिंक कंपनी से फाइनेंशियल या पर्सनल लिंक नहीं है क्या बताएंगे कैसे अ स्टेटमेंट दैट दर्म हैज कंप्लाइड विद दल रिक्वायरमेंट जो हमारी ए सीसी फर्म है प्रोफेशनल फीस ऑफ ऑडिट एंड नॉन ऑर्डिट सर्विस चार्ज ज्यूरिंग द पीरियड सेफ गार्ड्स अप्लाइड टू एलिमिनेट रिड्यूस थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस ये चीज़ें भी हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं हमारा कंपनी से आज सच कोई रिलेशन नहीं है किसी भी तरीके का हमारे किसी भी डायरेक्टर या किसी से भी कोई भी फैमिली रिलेशन नहीं है और जो भी फीस ये टोटल फीस हमारी डिसाइड हुई है ऑडिट की वो सारा वैसे ये जो ऑडिट फीस है ये हम यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं प्लान स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि ये हमारी फीस है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बाद आता है अल्टीमेटली वॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मैटर रिक्वायरिंग अटेंशन ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है क्या मैटर डिस्कस करना है वो हमारी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि ये चीज़ डिस्कस करनी है नहीं करनी देर कैन बी एनी थिंग दैट डिपेंड अपॉन हमारी प्रोफेशनल जजमेंट टिपिकल एग्जाम्पल्स आर जैसे डिले इन ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन मांगी हमें टाइम पे इंफॉर्मेशन दी ही नहीं मैनेजमेंट ने तो वो डिस्कस करनी पड़ेगी एंड अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट दी ऑडिट हमें टाइम बोला गया कि आपको विद इन टू वीक्स ऑडिट कंप्लीट करना है हम नहीं कर सकते एकदम से मैनेजमेंट ने हमें बोला कि भाई दो हफ्ते में ऑडिट खत्म करो हम बोलेंगे नहीं हो सकता अभी तो वाउचिंग होनी है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है सारे बंदे मिलकर रिपोर्ट बनाएंगे रिपोर्ट मॉडिफाई होगी बुक्स मॉडिफाई होगी नॉट पॉसिबल वो चीज़ डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड लिमिटेशन ऑन ऑडिट इधर इम्पोज बाय मैनेजमेंट और एनी सर्कमस्टांसिस अगर मैनेजमेंट ने कोई भी हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा दी कि आप सैलरीज की स्लिप्स नहीं चेक कर सकते वो भी हमें एक बार उनको दोस्त चार गवर्नेंस को बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये सिनारियो है हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वो भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो या तो हम रिपोर्ट चेंज कर देंगे तो अपनी ओपिनियन ही नहीं देंगे या फिर हम विड्रॉ कर लेंगे हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पोटेंशियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी मेटीरियल रिस्क एक्सपोजर्स सच एज पेंडिंग लिटिगेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू भी डिस्क्लोज इन द फाइनेशियल स्टेटमेंट अगर कुछ भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है जो नहीं करा हुआ लाइक like दिस वो चीज़ हम पहले दो चार दिन गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे याद रखना हम बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हम सिर्फ अपनी ओपिनियन देते तो अगर ये डिस्क्लोज करना है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे दोस्त चार्जेड गवर्नेंस को बताएंगे कि ये चीज़ आपको अपनी ऑडिट बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नोट्स में इंक्लूड करनी पड़ेगी कि ये हमारा एक लिटिगेशन चल रही है जिसके चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के अ समरी ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स वेदर करेक्टेड और नॉट बाय एंटिटी एंड रिक्वेस्ट दैट दे आर एडजस्टेड कि हम दोस्त चार्जेड गवर्नेंस को बताएंगे कि ये सारी मिस स्टेटमेंट्स हमें मिली थी इसमें से कौन कौन सी करेक्ट होगी कौन सी नहीं होगी अगर होगी नहीं होगी मैटर हम सारी उनसे डिस्कस करेंगे एक बार तो कि ये सारे मैटर्स थे इसमें से ये करेक्ट हो गए ये नहीं हुए, जो नहीं हुए वो प्लीज करवा दो मेटीरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न कोई भी चीज की वजह से कोई भी मेटीरियल स्टेटमेंट की वजह से हमें लगता है कि गोइंग कंसर्न नहीं बन पाएगी कंपनी तो वो एनी अदर मैटर अग्रीड अपॉन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कि अगर ऑडिट एंगेजमेंट करते हुए हमें बोला गया कि आपको ये ये चीजें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करनी है तो हम टाइमली वो चीजें डिस्कस करेंगे सो दीज आर दी थिंग्स विच शुड बी डिस्कस विद दी मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस थ्रू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें हमारी रिटर्न होंगी चाहे ई के थ्रू चाहे लेटर के थ्रू कुछ भी वर्बल नहीं होगा क्योंकि हम फॉर्मली बात करते हैं फॉर्मल मतलब थ्रू अ प्रॉपर रूट थ्रू अ प्रॉपर चैनल थ्रू अ प्रॉपर रिकॉर्ड कि ताकि हम बाद में ये रिकॉर्ड दिखा सके कि हमने तो ये लेटर्स देखो मैनेजमेंट को भेज दी थी अब उन्होंने नहीं करा दैट्स नॉट फॉल्ट अब जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का उसके बाद चैप्टर खत्म है दैट इज टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद दो क्या है प्लानिंग स्टेज पे हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर हमारा प्लान क्या था काम करने का इंटरनल कंट्रोल्स की अप्रोच क्या हम फॉलो करते हैं चेक करने की कितनी डिटेल चेकिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट कि वाइल प्लानिंग दी ऑडिट हम ये चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे अभी हम ऑडिट स्टार्ट नहीं कर रहे हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं ऑडिट कि क्या क्या रिस्क हमें मिल सकते हैं किस तरह से हम काम करेंगे इंटरनल कंट्रोल पर हम कितना रिलाई करेंगे उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी और मटीरियलिटी ऑडिट के लिए हमने किस परसेंटेज में सेट करिए कि इतने परसेंट अगर डिफरेंस आया तो वो मटीरियल माना जाएगा ड्यूरिंग द ऑडिट इफ़ एनी सिचुएशन अकर्स एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिले कम्युनिकेशन अनटिल द ऑडिट इज कंक्लूडेड कि ड्यूरिंग द ऑडिटि अगर कोई ऐसा मैटर हमें पता चला जिसको हम डिले नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर तो वो हम उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट ऑडिट कंक्लूड जब ऑडिट पूरा हो जाएगा उसके बाद मेजर फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट वर्क डिले कॉज बाय मैनेजमेंट बेसिकली ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे ए ये वाली ये सारी चीज़ें ऑडिट करते हुए हम नहीं बताते ये चीजें ऑडिट जब हो जाता है उसके बाद मैनेजमेंट से हमें डिस्कस करके रिटर्न बताते हैं कि ये सारी चीज़ों में हमें इश्यू आया था और अगर बिल्कुल ही ऑडिट करते हुए हमें कंपनी डिटेल ही नहीं दे रही

आज हम परचेज का करेंगे आज हम सैलरीज का करेंगे काम उससे क्या होगा उनको पता है कि आप का, का काम करने वाले हो आज तो वो के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो कर देंगे ताकि तुम्हें पता ही ना चले इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें उनको नहीं देनी हम ये बता रहे हैं कि बस हमारी वाउचिंग शुरू होगी हम कभी भी किसी भी चीज की वाउचिंग कर सकते हैं अब इतने सारे वाउचर्स कंपनी के पास होते हैं सो दैट्स गोइंग टू बी बिग थिंग फॉर कंपनी सारी चीजें एक साथ चेंज करने के तो हम रैंडमली कुछ भी मांग सकते हैं ये चीज ठीक है इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म तो मैं काम करता हूं इसके जो एम हैं वो तुम्हें करा देता हूं बड़े क्वेश्चन हमने मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि वो तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे वी हैव टाइम तो मैं इसके तुम्हें बड़े एमसी क्यूज कराता हूं बड़े क्वेश्चंस प्लीज एक बार अलोंग विद सॉल्यूशन जरूर 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 पढ़ना चलो सबसे पहला आता है टेस्ट यू आर यू आर अबाउट टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर एक्स माउथ कंपनी अनलिस्टेड क्लाइंट हाफ वे थ्रू अ मेजर कंप्यूटर सिस्टम फेलियर विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर ईयर टू डेट मतलब सारे डिस्ट्रॉय हो गए बैकअप हैड नॉट बीन कैप्ड एंड सो दू रिक्रक्ट द फिगर्स फॉर फोर्ट सिक्स मंथ कंपनी ने सारी फिगर्स खुद रिकंस्ट्रक्ट की हैं लेकिन कोई बैकअप नहीं है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हो सकता है फिगर सारी मैन्युपुलेटेड हो Which opinion आर दी मोस्ट appropriate फॉर एक्स माउथ कंपनी हम ऑडिटर हैं मतलब हम ऑडिटर हैं तो हम एक्स माउथ कंपनी को क्या अपनी ओपिनियन देंगे पहला है क्वालिफाइड और एडवर्स देखो क्वालिफाइड रिपोर्ट तो हम देंगे एडवर्स नहीं दे सकते क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं मिला हमें एडवर्स का मतलब होता है कि ये गलत है पॉइंट है यहां तो हमें कुछ दिखा ही नहीं हम गलत कैसे बोल सकते हैं तो हम यहाँ पे नॉर्मली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे कि हम ओपिनियन ही नहीं दे सकते तो डिस्क्लेमर

वॉट इज दर्पजस ऑन द बेिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इन दर्डर रिपोर्ट विच कंटेनज एन अनमोडिफाइड ओपिनियन वॉट इज दर्पज ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन बेसिस ऑफ ओपिनियन का पर्पज क्या होता है विच कंटेन एन अनमोडिफाइड ओपिनियन के अगर हम अन मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो हमारे बेसिस ऑफ ओपिनियन का पर्पज क्या होता है पहला टू स्टेट द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना आर नॉट बेसिस वो तो हम ओपिनियन देती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू बेसिस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि हम जो ओपिनियन दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं टू कंफर्म द ऑडिट हैज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आई एस एज एंड एथिकल रिक्वायरमेंट ये सही है टू टू हाईलाइट अ मैटर अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न हैज बीन एडिक्वेटली डिस्कलोज अगर हमें मैटर हाईलाइट करना है तो वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में थोड़ी देंगे बेसिस ऑफ ओपिनियन तो हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा एक सही आंसर के कंपनी सही से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है उसका क्या बेसिस है अगर बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन होता तो अलग बात होती बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन होता तो अलग बात थी बेसिस ऑफ ओपिनियन मतलब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है टू हाईलाइट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका कोई रिलेशन नहीं है तो आंसर इज टू कंफर्म के ऑडिट जो है जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू बताए हैं वो सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज होकर चली हैं सारे आई एस एज एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंपनी ने फुलफिल करे हैं विच ऑफ फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन दर ऑडिटर रिपोर्ट कि ऑडिटर रिपोर्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हमारा ओपिनियन नहीं नहीं ओपिनियन थोड़ी आएगा सबसे पहले हमारा टाइटल ओपिनियन सिग्नेचर की ऑडिट मैटर सिग्नेचर के बाद थोड़ी हम की ऑडिट मैटर देंगे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एड्रेसी ओपिनियन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट ये मुझे सही लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट बेसिस ऑफ ओपिनियन डेट एड्रेसी नहीं एड्रेसी मतलब कंपनी का नाम तो कंपनी का नाम तो सबसे टॉप पे आना चाहिए तो सबसे पहले आएगा कंपनी का नाम हालांकि पूरी नहीं है लेकिन इन चारों में अगर देखा जाए तो पहले कंपनी का नाम उसके बाद हम अपनी ओपिनियन देंगे ओपिनियन देने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड में और उसके बाद डेट और साइनिंग तो डेट एंड साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बेसिस ऑफ ओपिनियन फिर भी ठीक है डेट भी ठीक है लेकिन जो लास्ट में इन्होंने एड्रेस ही बता दिया ये गलत है कि हम लास्ट में नहीं बताएंगे कंपनी कौन है हम स्टार्टिंग में बताएंगे ये कंपनी है ये उसका टाइटल होता तो टाइटल भी पहले आता इंटरनल ऑडिटर सॉरी ऑडिटर रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट तो सी इज द राइट आंसर फोर्थ च ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स वर्डिंग ऑफ डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन की डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग इसमें से कौन सी होगी दाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू क्या आप बात कर रहे हो डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि हम ओपिनियन ही नहीं दे सकते कि बुक्स मिली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ये भी गलत है क्यों हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही व्यू नहीं दे रहे डू नॉट गिव बट हम कैसे बोल सकते हैं जब हम बोल ही डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रहे हैं मतलब हम अपना ओपिनियन ही नहीं दे सकते हम बता ही नहीं सकते कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं क्योंकि बुक्स ही नहीं हमें मिली है हाँ ना तो नॉट मतलब कि हमारी रिपोर्ट एडवर्स है चेकिंग हो चुकी है तो ना हम ये बोल सकते ना ये बोल सकते द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट द आंसर इज सी एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब द दाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव टू एंड फेयर व्यू ये भी गलत है ये तो एडवर्स या मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए होता है सिंपल फिफ्थ पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ एक्स माउथ कंपनी ओके द की ऑडिट मैटर सेक्शन शुड बी यूज टू डिस्क्राइब द मैटर गिव राइज टू मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं गलत है की ऑडिट मैटर के अंदर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में थोड़ी बताते हैं वो तो स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं बहुत स्पेसिफिक मैटर्स और लिमिटेड कंपनी के लिए होता है स्पेसिफिकली इफ ए डिस्मर ऑफ ओपिनियन इज टू बी इशूड जो हम यहाँ पे करेंगे द की ऑर्डिट मैटर सेक्शन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिटर रिपोर्ट एज टू डू सो मे सजेस्ट अदर आस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल दिस इज राइट क्यों अगर हम डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं अपना जो कि इस कंपनी के लिए हम देंगे क्यों क्योंकि कंपनी की बुक्स ही नहीं है हमारे पास तो जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही हमारा है हम अपनी ओपिनियन ही कोई नहीं दे रहे तो हम की ऑडिट मैटर्स कैसे बता देंगे कि ऑर्डिट करते हुए ये की मैटर्स थे जब ओपिनियन ही हमारा नहीं है तो हाउ कैन बी गिव कि ये मैटर इंपॉर्टेंट है तो हम ये सेक्शन देंगे ही नहीं कि भई हम तो ऑडिट ही नहीं कर पाए एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ शुड बी इंक्लूडेड ये तो कुछ भी नहीं होगा ऑडिटर विल कंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ये भी गलत है क्योंकि इस कंपनी को तो रिकॉर्ड ही नहीं मिले थे तो सिंपल हमारी बेसिस ऑफ ओपिनियन की जगह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाना है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब जाता है तो तो हम कुछ भी और चीजें देंगे ही नहीं हम तो साफ बोल देंगे कि हम कोई भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं बता सकते अपना ओपिनियन क्योंकि हमें बुक्स ही नहीं मिली दैट्स इट अब आता है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर सिक्स गाइज ये तुम खुद कर लेना ठीक है जैसा हमने पढ़ा है सेम वैसा है ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया ध्यान से सुनना नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है वो तुम्हें खुद पढ़ना है क्योंकि उसमें सारे आई एस एस और उनका मतलब है हमने कहीं ना कहीं पूरी बुक के अंदर वो आई एस एज ऑलरेडी कवर करे हुए हैं बट थर्टीन चैप्टर के अंदर वो सारे आई एस ए कम्बाइंड कंपाइल करके दिए हुए हैं तो यू हैव टू रीड दैम वंस एक बार अच्छे से ठीक है अब मैं सीधा सीधा एट्थ चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा एंड आई ट्राई टू फिनिश इट एट दी अर्स्ट ठीक है चलो बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम